सो इस ट्रस्ट रजिस्टर्ड एंड दी वेरी पर्पज ऑफ दिस ट्रस्ट इज टू स्प्रेड दी ऑकर साइंस एज मच एज वी कैन दूसरा इसके अंदर हमारी हमेशा प्रयास रहती है कि आप सब लोग सीखें और आगे बढ़ें चाहे वो पैशन के माध्यम से चाहे वो प्रोफेशन के माध्यम से तो हमारे यहाँ कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप कोर्स करके हमसे अपना कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते वी आर वी अलाउड फ्रीली टू एवरीबडी एंड वी सपोर्ट एवरीथिंग बिकॉज द साइंस इज नॉट लिमिटेड टू अस द साइंस इज़ ए यूनिवर्सल साइंस हमें भी किसी के माध्यम से हमारे गुरु के माध्यम से हमें मिली यूनिवर्स के माध्यम से मिली और हम वो कोई वही कोशिश करते हैं कि वो सब आपके पास डिलीवर हो जाए एंड वी बिलीव इन एमटी कप कंसेप्ट आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा एम टी कप कंसेप्ट अगर हमारे पास कप भरा हुआ और हम आपको वो कप नहीं देंगे तो हमारा कप नहीं भरेगा यूनिवर्स से और डाटा आने के लिए हमारा कप भरा रहेगा और यूनिवर्स उसी कप में डाटा डालती है जो कप खाली होता है जल्दी जल्दी तो वी बिलीव इन एंटी कप कंसेप्ट जो कुछ हमारे पास है वो सब आपका एंड देन यू प्रोसीड फर्दर टू स्प्रेड इट फर्दर सो वी बिलीव इन स्प्रेडिंग दी साइंसेस जिसको जो कार्य करना है उसके बाद वो कर सकता है हमारी कोई रोक टोक इसमें नहीं होती और हम चाहते भी हैं कि ये साइंस भारत में जगत वर्ष में फैले सो डैट इंडिया बिकम ए जगत ग्रू वंस अगेन सो ये हमारा एक विजन है इसका हमारे सारे कोर्सेज़ जो रहते हैं आमतौर पे वो बहुत ही इकोनॉमिकल सेक्शन से रखते हैं ताकि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके एट ए वेरी इकोनॉमिकल वे और कुछ बेसिक्स चीज़ें एकेडमी देती है जिसमें एकेडमी मेरे कोर्स में कोर्सेज में तो हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट फ्री कर देते हैं बट बाकी जो कोर्सेज फैकल्टीज़ के होते हैं उसमें वंस रिपीट फ्री जरूर देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस देते हैं नोट्स मिल जाते हैं तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स अभी तक का जो मैंने बात किया इसमें किसी को बात करना तो ठीक है नहीं तो देन वी प्रोसीड विद दब्जेक्ट सब्जेक्ट टुडे एंड एक और चीज एकेडमी के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट मास्टर के द्वारा डिलीवर होते हैं इट इज नॉट लाइक कि मेरा मन किया तो मैंने एक सब्जेक्ट डिलीवर कर दिया इफ आई हैव अ प्रैक्टिस ऑन द सब्जेक्ट आई आई एम एलिजिबल टू डिलीवर इफ आई डोंट हैव अ प्रैक्टिस ऑन द सब्जेक्ट आई एम नॉट एलिजिबल टू डिलीवर सिंपल है कंसेप्ट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना जरूरी है टू डिलीवर द सब्जेक्ट अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए दस फैकल्टीज है अकेडमी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे कार्य करते हैं ठीक है जितना भी हमने आपसे किसी का को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो देन दी सर, क्या -क्या और क्या टाइम फ्रेम है इसका सर पांच क्या विण है? दे रहे हैं पांच में आ रहा हूँ जी अदर क्वेश्चन No questions. Fine. So taking the question of uh, Mayank Ji, am Ji. Parvin G You want to say something? No. Okay. So I'm putting the screen here. Yeah.

सो द कोर्स कंटेंट विल बी लाइक इसमें टाइप्स ऑफ कर्मास बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हाउस प्लेनेट प्लान इनके कारक तत्व नक्षत्र कारक तत्व एक चीज याद रखना एस्ट्रोलॉजी एक या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ऑकर्ड साइंस के कोई भी सब्जेक्ट आमतौर पर आज की समय में इतनी सारी वराइटीज क्रिएट हो गई है बिहार में कि लोग बेसिक्स को छोड़ रहे हैं

जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें बेसिक्स ऑफ ए बी सी डी पढ़ाई जाती है उससे हमें सेंटेंस बनाना पैराग्राफ पढ़ाना पढ़ाया जाता है तो हम ये कहते हैं भाई जिसका पांचवी तक का स्कूल अच्छा था इंग्लिश का अच्छा उसकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ आ जाती है हम ये बोलते हैं ठीक है ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी यही है जिसने फंडामेंटल्स को घोट के पी लिया ठीक है उसका फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है और वो बहुत ज्यादा कार्य कर पाता है प्रडिक्शन के लिए क्योंकि प्रडिक्शंस में कारक तत्वों का अच्छे से पता होना कंटेस्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको याद नहीं है आपके कंटेस्ट नहीं है आपके जहन में नहीं बसे तो एस्ट्रोलॉजी की प्रोडिक्शन करने में दिक्कत आएगी क्योंकि कारक ही प्रोडिक्शन के अंदर आते हैं तो इसमें हम बहुत टाइम देते हैं समय देते हैं इसको हम सम... डिटेलिंग में करते हैं इस पर काम हाउस प्लेनेट जोडक साइंस नक्षत्र इनके राशि के इनके सबके कारक राशि के गुण नेचर राशि कैसा है क्योंकि ये सब कारक का पार्ट है लगन के टाइप क्या है लगन का मून चार्ट राइजिंग सन यानी कि राइजिंग सन साइन मतलब कौन सा साइन पैदा हो हर व्यक्ति का साइन चेंज होता है चार्ट में क्यों होता है कैसे होता है मून साइंस इग्निफिकस ऑफ भाव कार हाउसेस ये अगेन कारक की बात आती है यहाँ पे कंपाउंड मैत्री कैसे बनती है कंपाउंड मैत्री प्लैनेट्स के बीच में ये भी आज के दौर में हम इसको नहीं ध्यान देते हैं काफी लोग काफ़ी चीज़ें सीखते हैं बट इस बेसिक पे ध्यान नहीं देते कंपाउंड फ्रेंडशिप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल क्योंकि इससे यह समझ आता है कि, कि किसी की दोस्ती कितनी गहरी है कितनी नहीं है इट्स समथिंग लाइक यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हर एक से आपकी उतनी किसी से नॉर्मल है किसी से गढ़ित मित्रता है किसी से दुश्मनी है किसी से एनिमी है लेकिन दूर दूर से है मतलब पास में मीठा मीठा बोलते हैं बट दूर दूर से तो नहीं बनती है तो वो सब चीज़ें जो होती है प्लानट के बीच में आपस में किस में कैसे रिलेशनशिप है वो हमें कंपाउंड फ्रेंडशिप से बचलता है ये बहुत जरूरी है प्लानट डेवलेटेड और एक्जेड एकस, होता है मूर्तिकोण का होता है इसका इफेक्ट क्या आता है ये होना तो आसान बात है समझना कि ये हो है तो ठीक है ये तो बहुत आसान है बट इसका इफेक्ट क्या है इफेक्ट समझना जरूरी है क्योंकि प्रेक्शन तो इफेक्ट से आएगी कम्बस्ट प्लानट रेटोग्रेड प्लान रेटोग्रेट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेट्रोगट प्लानट बहुत तेजी से चलता है इसका इफेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा ट्रिकी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए लेकिन इसका पावर इंपैक्ट होता है दशा एंड ट्रांजिट दशा ट्रांज़िट को इकट्ठा कैसे यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दशा सद में आ जाती है समझ लेते हैं लोग ट्रांजिट कई बार कई लोग बताते हैं नहीं बताते हैं इट्स ओके okay. <coughs> लेकिन इन दोनों को लगाना कैसे है क्योंकि रिजल्ट आते हैं वो और के कॉम्बिनेशन को जब हम लगन चार्ट पे लगाएंगे तो घटना घटती है इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जो हमारे चार्ट के अंदर पोजीशनिंग ऑफ प्लैनेट्स है, वो एक प्रकार से योग है राशि एंड पोजिशनिंग ऑफ प्लान इन भावास वो योग है योग तो बना हुआ है जितना भी आया, योग आया उस योग को फलित करने के लिए दशा चालू हो जाती है दशा एक लंबी चलती है दशा लंबे पीरियड के लिए चलेगी लेकिन उस लंबे पीरियड के अंदर जब ट्रांजिट जब चलता है तो ट्रांजिट उस घटना को घटित करता हो जाता है स्टम्पिंग का काम करता है कि स्टम्प कर दिया अब ये घटना घटेगी तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन में लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना इसको लगाना आना चाहिए प्रडिक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रूल है ये प्रडिक्शन का इम्पॉर्टेंट पहलू है ये अगर ये नहीं होगा तो प्रडिक्शन करने में दिक्कत आएगी योग कौन से होते हैं जैसे मैंने अभी योग की बात करी शटबल शटबल में छह प्रकार के बल होते हैं इसको समझना आना चाहिए क्योंकि ये नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी में काम आता है बट शटबल का कुछ पार्ट का यूज वास्तु में भी होता है तो इसको समझना आना चाहिए हम मैच मेकिंग मैरिज बिजनेस जॉब फाइनेंस कोर्ट केसिस डिजीज ट्रबल इन लाइफ इन सब चीज़ों के ऊपर एक अध्ययन करेंगे समझेंगे कि ये कैसे होते हैं और आज मैच मेकिंग का ही एक सब्जेक्ट लेंगे आज की क्लास में ताकि यहाँ पर हम सब लोग अपना टाइम स्पेंड करें तो वी कैन वी शुड लर्न समथिंग गुड एंड बैड इन चार्ट करेक्शन इन चार्ट एडियॉरकोप एस्पेक्ट ऑफ वैदिक एंड नाड़ी इन कंजक्शन नाड़ी का क्यों नाड़ी के अंदर नाड़ी हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं पूरी बट नाड़ी के थोड़े से रूल होते हैं जो एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कंजेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको जरूर मैं सिखाऊंगा क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे प्रडिक्शन में नहीं तो प्रिडिक्शन करने में आप में उसमें कमी आएगी बट नाड़ी का एस्पेक्ट रूल क्या है वो जरूर हम यहाँ पे सीखेंगे चार ट्राइन बनते हैं चार्ट ट्राइन की अपनी विशेषताएं हैं उन ट्राइन को समझेंगे डिवीज़न चार्ट का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे क्योंकि डिवीज़न चार्ट आगे जाके बहुत काम आते हैं तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कंप्लीट डिविजन चार्ट नहीं कवर होंगे इसमें सॉफ्टवेयर अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं या कोई और आपके सॉफ्टवेयर तो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे यूज कर सकते हैं राहु केतु शनि ये तीन इंपॉर्टेंट ग्रह हैं इन तीन इंपॉर्टेंट ग्रह की थोड़ी डिटेलिंग में करेंगे काम और रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे सारे प्लान की रेमेडीज सारे आ, कैसे करती हैं क्या रेमिडीज हैं उनकी इसमें हम बात करेंगे ये थी कोर्स के कंटेंट की बात ठीक है जी कोई क्वेश्चन नो no ये क्वेश्चन सब सीखने तो में कितना समय लगेगा और कितना टाइम हम लोग को डोनेट करना पड़ेगा इसके लिए एक अंदाजन डोनेट नहीं सर इन्वेस्ट करना पड़ेगा समय तो आपका है डोनेट आप मेरे को नहीं कर रहे इन्वेस्ट अपने पे कर रहे हो सो इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टू मंथ्स दो महीने में हमारी सोलह क्लासेस होती हैं हर महीने में आठ क्लास क्योंकि हफ्ते में दो क्लास होती हैं दो क्लास हफ्ते में करेंगे रात को नौ से ग्यारह क्लासेस करेंगे एंड होपफुली ये सब्जेक्ट स्टार्ट होगा दस तारीख से दस अगस्त का क्या दिन पड़ रहा है एक मिनट लेट मी चेक आल्सो सैटरडे आएगा सैटरडे आएगा तो होपफुली सैटरडे एंड मंडे नाइट में होगी नाइट में जी नौ से ग्यारह रात को लंबा टाइम हाँ नौ बजे शुरू करते हैं नॉर्मली नौ, नौ, नौ सवा बज जाते हैं शुरू करते हुए कई भी हो जाते हैं तो ग्यारह बजे से पहले ही खत्म कर देते तो मोटा मोटी डेढ़ घंटे की क्लास होती है हम दो घंटे का ब्लॉक ब्लॉक करते हैं तो डेढ़ घंटे की क्लास होती है इसमें तो, तो सोलह क्लासेज जी पी मिलेगी सोलह क्लासेज होंगी सोलह की नॉर्मली एक्सटेंड हो जाती हैं और बीस बाईस क्लासेज तक हो जाती है इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू कवर दिच वी शेयर विद यू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट कि मैं सोलह के बाद हमें थैंक यू करना ऐसा नहीं है वी डू वी बिलीव इन हैंड होल्डिंग हम हाथ नहीं छोड़ते सामने वाले का अपना मौका है सो so, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी इसके साथ में आपको रिकॉर्डिंग्स uh, आपके पास रहेंगी एंड uh, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो साथ साथ हम करते जाएंगे। यस नोट्स मिलेंगे सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीशन भी मिलेगा ये भी प्राप्त होगा राइट right? सो so,

ऐसा भी है अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो बस और टाइम ना पता हो क्या तब भी हम निकाल सकते वो हैं का है, वो वो बीटीआर बीटीआर का सेशन है है डिफरेंट बात टाइम रेक्टिफिकेशन इज सेपरेट सब्जेक्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट है काफी बड़ा एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप कोई आपको ये बोल दे कि जी हम पूर्ण एस्ट्रोलॉजी करवा देंगे तो सर मुझे पता नहीं वो पूर्ण एस्ट्रोलॉजी क्या होती है क्योंकि हो क्यों? मैं खुद आज भी सीख रहा हूँ तो दो एंड टू इट इट्स एन ओशन आप में जितनी क्षमता आप सुन आप रीड कर आप सीखते जाओ जितनी क्षमता आप में इट्स एन ओशियन नो एंड टू इट एंड लेस है ये मुझे कुछ भी आज भी कहीं से सीखने का मौका मिलता है मैं सीखता हूँ आज भी अब मैं डेली स्पेंड करता हूँ लर्निंग के ऊपर मेरा डेली एक घंटे का मॉर्निंग का टाइम मैं लर्निंग को देता हूँ जी रशिका जी सर uh, एक प्रश्न कुंडली करके हम बचपन में थे तो सुनते थे प्रश्न प्रश्न कुंडली मैडम होती है लेकिन इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है प्रश्न कुंडली ओके okay. प्रश्न कुंडली अपने आप में ही सब्जेक्ट है अच्छा क्योंकि वो मैंने अभी तक कभी किसी से सुना नहीं क्यों तो इसलिए प्रश्न कुंडली हमने करवाई है शिल्पी गुप्ता मैडम ने करवाई है प्रश्न कुंडली हाँ अच्छा मैं एक बार अकेडमी से बात करती हूँ आप कर लेना हमने करवाई है पशंकुंडले शिव भी होता हमने करवाई है नीति ने करवाई है पशंकुंडले ओके विल चेक ठीक है इस सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है यस वैसे हम करवाते हैं ऐसे बहुत सब्जेक्ट हैं जो आपने सुने होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको थोड़ा ज्ञान भी होगा लेकिन आ, गो स्टेप बाय स्टेप गो लेवल वन देन लेवल 2 देन एंड सो ऑन एंड देन आपकी क्षमता का आता है आप कर सकते हो आई डेट इज अनदर रीजन कि हमारी जो कोर्स फीस रखते हैं वो बहुत ही रिजनेबल रखते हैं ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स को सीख सके और कर सके फीस क्या है सर इनकी एक मिनट मैडम मैं फीस चार्ट भी डाल देता हूँ फीस चार्ट इज हेयर इसकी जो फीस है फोर्टी टू हंड्रेड है फोर फोर फॉर न्यू फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट थ्री फाइव एट एंड फॉर जो हमारे अकेडमी दिस इज द डिटेल बट नवर द लेस आप एक बार चेक कर लेना अकेडमी के नंबर पर अकेडमी का डिटेल आप सबके पास होगा नहीं तो मैं भी चैट में शेयर कर देता हूँ एंड आई थिंक अकेडमी ने डिसाइड किया था टू गिव समल्यू एडिशन दो जू जॉइन फर्स्ट तो uh, फर्स्ट तो कमर को देर इज समल्यू एडिशन इन टू दिस फीस इट्स वैल्यू एडिशन का मतलब है कि कुछ और स्पेशल डिस्काउंट्स हैं जो अकेडमी ने दिए थे इफ दे एनरोल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कोर्स सो वो एक बार आप चेक कर लीजिएगा अकेडमी से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा या चैट पर बात कर लीजिए मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ ये नंबर से यहाँ पे दिए हैं इन नंबर का आप स्क्रीन ले लो यही नंबर हैं इन दोनों नंबर पर आप बात कर सकते हो ये दोनों नंबर का स्क्रीन ले लो आप इन दोनों नंबर पर आप कॉल कर सकते हो इन पे आप चैट कर सकते हो और व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो इन दोनों को आप दोनों नंबर पे

और उसमें बहुत जी. कुछ अच्छा मटेरियल मिल रहा है एक्सीलेंट थैंक यू प्रीति जी हाँ जी सो कमिंग टू टुडे सब्जेक्ट अब आप मुझे बताएं कि आपको कोई और क्वेश्चन है, है, तो तो है तो ठीक है नहीं तो हम बात करते आगे कब स्टार्ट होगा दस तारीख से है सर कौन सा तारीख मतलब अगस्त का महीना दस तारीख दिन शनिवार रात के नौ बजे जी, जी, uh, yes, हेलो उसके बारे में बताया जाएगा मैडम डी सेवन डी नाइन के ऊपर एक इंट्रोडक्शन दी जाएगी क्योंकि डिविजनल चार्ट के लिए डिटेलिंग होती है वो इसका जो नेक्स्ट okay. लेवल आएगा उसके अंदर हम करवाएंगे डिविजनल चार्ट सारे उसमें डी सेवन डी नाइन तक लिमिटेड नहीं होंगे तो सारे डिविजनल चार्ट पे बात करेंगे हम इस केस okay, में हम सरा. एक इंट्रोडक्शन देंगे

जब हमने सबने टाइम स्पेंड किया हम सारे यहाँ पे हैं तो इस सब्जेक्ट को लेते हैं सत्ताईस नक्षत्र होते हैं जो बात किसी को समझ में ना आए तो ड्रॉप कर देना हम जब क्लास करेंगे स्टेप बाय स्टेप वहां पे समझ में आएगी हम एक 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 रैंडम टॉपिक पिक कर रहे हैं क्योंकि आज एक टॉपिक इसका टॉपिक का रीजन भी है कि आज एक केस मेरे पास आया था तो मुझे लगा कि चलो इस केस रिलेटेड ही चर्चा करते हैं तो केस ये है कि बच्च आजकल के गृहस्थ जीवन में बच्चों की जनरली यंग जनरेशन में बनती नहीं है जल्दी से और उसका बहुत बड़े कारण रहते हैं कि इनके अंदर आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा है इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट डेट पंडित जी ने सभी कुछ मिलाया सब कुछ ठीक है सभी बातें अच्छी दी फिर भी मतभेद बहुत हैं और बात बैठ रही तो वन ऑफ द रीजन पे हम डिस्कस करेंगे दे आर अदर रीजन आरसो जब हमारे सब्जेक्ट आएगा तो हम उसपे कुंडली मिलान पूरा एक सब्जेक्ट है अपने आप में जो हम कवर करेंगे आई थिंक मेरे उसमें लिखा नहीं था पर कुंडली मिलान वन ऑफ़ द सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे योग के साथ कुंडली मिलान भी आएगा सो so, सत्ताइस नक्षत्र होते हैं हर व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में जन्म लेता है और ये पता चलता है जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा था चंद्रमा जिस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा होते हैं जब व्यक्ति का जन्म होता है और उस नक्षत्र को जन्म नक्षत्र बोला जाता है या जन्म तारा बोला जाता है ठीक है अब नक्षत्रों के अपने एक गण होते हैं और तीन प्रकार के गण बताए जाते हैं देवगण मनुष्य गण और गण। देवगण कौन सा होता है देवगण का व्यक्ति उसका जो स्वभाव होता है वो भावुक होता है उदारता वाला होता है सहनशील होती है उसमें उसमें शालीनता होती है उसमें थोड़ा दयावान होता है उपकार करता है थोड़ा धैर्य रखता है वो उसके शुभ लक्षण ज्यादा होते हैं थोड़ा उसमें साहस की कमी या डरपोक टाइप का भी होता है फॉर रॉन्ग डूइंग्स करेक्ट बट उसमें कह सकते हो कि उसमें विरोधाभास कम होता है विरोध नहीं करता सहन करता है गलत कार्य को करने के लिए करेज की कमी होती है गलत कार्य नहीं कर पाता चीजों को देखने की उसका नजरिया आमतौर पे सकारात्मक होता है सकारात्मक तरीके से चीजों को देखता है उसकी जेनरिक मानसिक स्थिति जो होती है वो ऑप्टिमिस्टिक विचारों वाले होती है वो चीजों को बनाने में बिलीव करता है बिगाड़ने में बिलीव नहीं करता ये देवगण की कुछ विशेषताएं हैं मनुष्य गण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं वो थोड़ा चतुर होते हैं और दूरदर्शी होते हैं थोड़े साहसी भी होते हैं वो अपने हित की बारे में सोचते हैं और अपने हित की रक्षा करने के लिए कदम उठाते हैं व्यवहारिक तौर पे प्रतिष्ठावान होते हैं अपना अधिकार पाना चाहते हैं प्रे, सुंदर प्रेमी होते हैं स्वयं को प्रतिष्ठा सेस के अनुसार ढालने वाले होते हैं परिस्थितियों के अनुसार ढालने वाले होते हैं ऐसे मनुष्य ग्रहण वाले लोग आमतौर पर वो व्यक्ति भोगी होते हैं सुख प्रतिष्ठा को तो महत्ता देते हैं जीवन में वो व्यक्ति अपने लिए और अपने हित के लिए विशेष तौर पर फाइट करते हैं उनको अपना आत्म सम्मान उसको उनको अपनी आत्म गरिमा का हमेशा एक एक पहलू फर्स्ट रहता है ये लोग किसी से तर्क आदि क्षमता में निपुण होते हैं किसी के साथ कर सकते हैं और ये लोग जब तक तर्क करते हैं जब तक इनको अपना राइट नहीं मिलता ये तर्क करते हैं आमतौर पे ये लोग राइट डूअर होते हैं आमतौर पे ये लोग ऑप्टिमिस्टिक विचारों वाले होते हैं जब तक इन पर मेलिफिक इफेक्ट नहीं आएगा ये लोग पैसिमिस्टिक विचार नहीं करते बट ऑप्टिमिस्टिक विचार इनके जल्दी हिल जाते हैं एज कंपेयर टू देवगण देवगढ़ वालों के ऑप्टिमिस्टिक विचार नहीं हिलते जल्दी लेकिन ये लोग अपने हित के लिए ऑप्टिमिस्टिक विचारों से पैसिमिस्टिक विचार पे या नकारात्मक विचार पे भी स्विच करते हैं इफ दे फाइंड देयर इंटरेस्ट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड इनटू दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड इसके बाद आता है राक्षसगण राक्षसगण वाले व्यक्ति क्रोधी होते हैं स्वार्थी होते हैं होते होते हैं, चलाक होते हैं, दूसरे लोगों पे रोब जमाने वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं लापरवाही होते हैं बहुत साहसी होता है बहुत अभिमान होता है कठोर होते हैं अपने हित के लिए दूसरे को हित पहुंचाने दूसरे की हानि पहुँचाने में नहीं घबराते अपने हित के लिए वो दूसरे को कुछ भी ठेस पहुंचा सकते हैं मार पिटाई लड़ाई झगड़ा गाली गलोज कुछ भी कर सकते हैं उनको अपने अधिकार से मतलब होता है उनको अपने से मतलब होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चलते हैं दे फाइंड देमसेल्फ ऑलवेज बी राइट इवन दो दे आर रॉन्ग उनकी जिद उनका स्वभाव होती है उनका अग्रशन उनका बिहेवियर पैटर्न होता है ऑलवेज राइट उनका एटीट्यूड होता है अगर कोई सही करेक्शन करेगा तो फैल जाते हैं आक्रामक हो जाते हैं फाइटिंग स्पिड बढ़ जाती है समबड़ी सेज यू आर रॉन्ग ऑन देअर फेस यू हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम समथिंग विच अ काइंड ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स मतलब कहने का मतलब है कि बात तो सही है बट इन ए नेगेटिव वे अगर उसको रिएक्ट करता है सामने वाला तो सामने वाले पे वो आक्रामक हो जाते हैं एक फॉर एग्जाम्पल हजबैंड ने हस्बैंड ने बोल रहा हूँ ध्यान रखना हसबैंड ने वाइफ को बोला कि आपकी सोच ठीक नहीं है आपका नजरिया ठीक नहीं है आपका एक्शन ठीक नहीं है और सामने वाला आक्रामक हो जाए हु देखना बिना रीजन के लड़ाई या बहस चालू इंडिकेशन ऑफ आक्रामकता कांड, तो ऐसा व्यक्ति जब होता है तो जल्दी से हिसाब किताब बिठा पाना संतुलन बिठाना मुश्किल हो जाता है अब सत्ताईस नक्षत्र होते हैं हर नक्षत्र को देवगण मनुष्यगण और राक्षसगण की योनी राक्षसगण की कॉम्पटेंसी प्राप्त होती हैं। तो जैसे 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र होते हैं जिनको देवगण की कॉम्पटेंसीज प्राप्त होती हैं, जैसे अश्वनी मृक्षिरा पूर्ण उषा हस्त, स्वाति अनुराधा श्रवण और रेवती अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है नोट्स फॉर्मेट में जब हम क्लास करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इसी प्रकार मनुष्य गण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके पास बढ़नी रोहिणी हराधरा पूर्व फाग्नी उत्तर फाग्नी पूर्वशाढ़ा उत्तराशाढ़ा पूर्व भागपाद उत्तर भागपाद तो ये जो उत्तर पूर्व के तीन नक्षत्र होते हैं तीनों नक्षत्र मनुष्य को मिलते हैं और उसके साथ भरणी रोहिणी और आद्रा भी मिलता है जो बच जाते हैं वो सब सारे राक्षस में आते हैं षठभिषा घनिष्ठा मूल ज्येष्ठा शाखा चित्रा मगा अश्लेषा कृतिका ये सारे नक्षत्र जो है राक्षस गण में आते हैं अब व्यक्ति का किसी ना किसी व्यक्ति हर व्यक्ति का किसी ना किसी नक्षत्र में तो जन्म होगा तो नक्षत्र का जो एटीट्यूड है गण के मुताबिक वो एटीट्यूड उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है अब जब हम मैच मेकिंग में जाते हैं तो मैच मेकिंग में हमें ये देखना पड़ता है इसलिए कि जो नक्षत्र है व्यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ अगर वो व्यक्ति देवगण के नक्षत्र पैदा हुआ और उसकी राक्षस गण के नक्षत्र के व्यक्ति साथ शादी हो जाती है जो राक्षस गण वाला वो हमेशा उस एम्पावर करेगा देवगण वाला बर्दाश्त करेगा अब वो राक्षस गण वाला घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों पे अपमानजनक या ऐसे शब्दावली का यूज करेगा जो टोंटिंग या पिंचिंग होती है देवगण वाला कभी नहीं चाहेगा कि रिलेशनशिप खराब हो वो कहेगा बने रहने दो इधर इट इज ए मेल और ए फीमेल मेल के कैसे कुछ जेंडर इश्यूज आ जाते हैं वो हम जब पूरी डिटेलिंग पे काम करें, करेंगे तब बात करेंगे वहां पे भी बट आमतौर पर देवगढ़ वाला कहेगा चलने दो रिलेशनशिप डोंट डिस्टर्ब इट लेट्स ट्राई एज बेस्ट पॉसिबल राष्ट्रीय वाला कहेगा जिसको जाना जा आई डोंट केयर तो यहां पे एक विंडमना पैदा हो जाती है अब मान लो ये देवगण लड़की के थे और राष्ट्र के अंदर लड़के के थे टू एन एक्सटेंड बाई दी यूनिवर्सल और गॉड गिफ्ट अ फीमेल इज ए बेटर काम देन द मेल इज ए इन अ मोरल इन ए ब्रॉडर परस्पेक्टिव आई एम टॉकिंग आई डोंट मीन टू हर्ट एनी बट इन ए ब्रॉडर परस्पेक्टिव तो ये संभावना फिर भी टू एन एक्सटेंड चल पाती है लस कुछ घटनाएं ऐसी हो जाए जहाँ पे इंसान मेल जो है अपनी हद से पार हो जाए और वैल्यू बिल्कुल नहीं मिले तब जाके फीमेल को सेपरेशन की तरफ सोचना पड़ता है आमतौर पे अदरवाइज समट निकल जाता है जीवन इसको रिवर्स कर दो मेल इज देवगण एंड फीमेल इज राक्षसगण मेल लंबे समय तक नहीं चला पाता इस घटना को क्योंकि बाई ए जेंडर डिजाइन ऑफ यूनिवर्स टू एन एक्सटेंड मेल एक्सेप्ट करेगा उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो घटना जल्दी जनरली जो है ना अब इसको अंक प्राप्त होते हैं कई बार हम जब गणना करते हैं हमें कुंडली मिलान के लिए गए आपने देखा पंडित जी ने देखा अरे इसके बड़े अच्छे मिलते हैं इसके तो बीस हो गए बाईस हो गए पच्चीस हो गए गेट इन डिटेलिंग क्या मिला और क्या नहीं मिला हम उस उसपे काम कर रहे हैं वी डोंट गो बाई नंबर्स वी गो बाई डिटेलिंग ऑफ ईच एक्टिविटी so we have choose one of the activity today अब यहां पे नंबर तो नहीं मिलेंगे दोनों केस में लेकिन दोनों केस में ये समझना जरूरी है अगर रिश्ता लेना है लड़की के देवगण लड़के के राशिशकर के टू एन एक्सटेंड काम कर सकते हैं बट वाइज वर्सा काम नहीं करेगा लड़की का राशिशकर और लड़के का देवगण वाइज वर्सा काम नहीं करेगा इसके बाद बाकी पैरामीटर भी देखना सिखाऊंगा बट ये वन ऑफ द मैन यही लड़की का राक्षस करना और वंचर राशि वंचर आ जाता अभी वंचर पे हम काम नहीं किए एक बात बता रहा हूं वंचर मतलब शेर बिल्कुल काम नहीं करेगा लड़की बहुत ज्यादा उत्पादी होगी मुश्किल हो जाएगी जीवन चलाना यही सिंह राशि का लगन भी आ जाता है आए तो आ जाएगा व्यक्ति लड़की का तो ये कुछ फैक्टर ऐसे बन जाते हैं जहां पे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है तो इसलिए डिटेलिंग चाहिए दो कुंडली मिलान में हम नंबर पे काम नहीं करेंगे हम डिटेलिंग पे करेंगे दोनों मनुष्य मनुष्य क्या आ गए गुड टू गो दोनों में आपस में दोनों आपस में ठीक है बढ़िया है गुड टू गो इट्स वेरी गुड मूव ऑन दोनों देवकरण आ गए मूव ऑन बहुत बढ़िया दोनों राक्षसकरण आ गए दोनों भी इट इज गुड टू गो अगेन दोनों अपना मर के काम चला लेंगे दोनों एक दूसरे को गाली चला लेंगे आगे बढ़ेंगे हमने मनुष्य हमने साथ देव और देव की एनालिसिस करी थोड़ी मनुष्य और देव की एनालिसिस करते हैं एक व्यक्ति करना है एक व्यक्ति मनुष्य करना, है लड़की देव करना है लड़का मनुष्य करना, है गुड टू गो नोट नो इश्यूज लड़का देव करना है लड़की मनुष्य करना है यहां पे भी विरोधावास आएगा बट मनुष्यगण के साथ लड़की जलचर है जलचर से आता है? बताऊंगा आगे बट मनुष्यगण के साथ लड़की जलचर है कुट्टू को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि लड़की इमोशंस को वैल्यू करेगी जलचर के साथ लड़की ब्राह्मण है वर्ग में आएगा वो भी आएगा उसमें यही मनुष्यगर्ण के साथ लड़की चतुष्पाद है और क्षत्रिय है नहीं चलेगा देवगण लड़के के साथ नहीं चलेगा लड़ाई झगड़ा होगा दोनों में बहुत लड़ेगा बात नहीं मिलेगी दोनों के विचार नहीं मिलेंगे उत्पाद होगा या तो बता के रखना पड़ेगा भाई तू तो झुक के ही जीवन जिएगा तो सुन के जीवन जिये उसका तो गाड़ी चलेगी और रिएक्ट करेगा तो वो तेरे डबल रिएक्ट करेगी तो ये मैंने शुरू में बोला जीवन जीने का जीवन को देखने का नजरिया है ज्योतिष उपाय नहीं है और यही उपाय है यही काउंसलिंग है अगर आपने अच्छा ज्योतिष बना यू नीड टू बी अ गुड काउंसलर एक्चुअली और काउंसलर जो होते साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये सब डॉक्टरी करके आते हैं और फिर टेस्ट करवा के देखते हैं और ज्योतिषाचार्य है और ज्योतिष शास्त्री चार्ट देख के बताता है कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं और आपको क्या देख करना चाहिए जीवन में अपने आप को सुधारने के लिए वो पर्सनालिटी ट्रेट्स वहीं देख के बताता है एट डेट से बिगेस्ट काउंसलर अब भी ये काउंसलर अगर लड़की देवकरण है लड़का मनुष्य है इट्स गुड टू गो नो इश्यूज चल जाएगा मनुष्य के साथ लड़का का थोड़ा सा वंचर भी आ जाता है तब भी लड़की संभाल लेगी लड़की देवगण संभाल लेती है और लंबे समय संभाल तक संभालती है रिएक्टिव नहीं होती जल्दी से आमतौर पे इसके अंदर भी कुछ एसेप्शन होती हैं एसेप्शन की डिटेलिंग पे हम जाएंगे जब हम आगे कार्य करेंगे इसमें तो एसेप्शन की डिटेलिंग पे जाएंगे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं इसमें एक कैरेक्टर है आज की तारीख में अब के युग में और पहले के युग में एक डिफरेंस आ गया पहले के युग में माँ बाप ने शादी कर दी हमारे आपस के संबंध कैसे भी हम जीवन काट रहे थे आज के युग में माँ बाप ने शादी भले ही कर दी अगर हमारे म्यूचुअल रिलेशनशिप और संबंध सही नहीं बैठते तो लड़का लड़की नहीं जीवन काटते एक सब्जेक्ट आएगा गुण मिलान में योनी इसके अंदर बहुत ही बेसिक तौर पे हम देखते हैं कि इसके अंदर व्यक्ति आपस में दोनों संबंध बना पाएंगे या बिगाड़ेंगे देर आर नेचुरल एनिमिटी बिट्वीन यूनिस चौदह प्रकार की योनि होती हैं जो सत्ताईस नक्षत्रों को मिलती हैं और हर योनि का एक मेल फीमेल कैरेक्टर होता है इन चौदह प्रकार की योनि चौदह प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट जानवरों से संबोधित की जाती है और उनके जो ट्रेड्स होते हैं और उसके ट्रेड को बेसिक तौर पे हम अप्लाई करते हैं इंसान के ऊपर ये देखने के लिए कि उसका बर्ताव कैसा है उसकी डिटेलिंग में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी डिटेलिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग सबकी मे बी नॉट बी अवेलेबल हम सिर्फ ये समझते हैं कि एक आम तौर पे किसकी किससे बनती है जैसे फॉर एग्जांपल महीश और अश्व महेश किसको बोलते हैं बुफेलो को ये सारी विंडो बंद हो गई अगर सारी विंडो बंद हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा प्लीज कीप द विंडोज ऑन प्लीज बी इंटरेक्टिव भैंस को बोलते हैं है, महीश बुफेलो बेसिकली आई रिक्वेस्ट टू कीप योर वीडियोज ऑन घोड़े की और भैंस की बनती है आपस में क्वेश्चन टू यू या ना हाँ कौन बोला सर दोनों का चारा एक ही है दोनों okay. पीस लविंग है मतलब दोनों भी नहीं है तो मेनली तो नहीं है तो अटैकिंग नेचर नहीं है सो सर घोड़ा हॉर्स और भैंस भैसा ये दोनों जो ना, है ना अपोजिट्स है ईच अदर ये दोनों एक दूसरे को आप खड़ा कर दो इन दोनों को एक दूसरे के प्रति ये रिएक्टिव है दे आर रिएक्टिव टू अदर बिल्कुल सो ये, ने, ने, ये सर जानवरों की प्रतिक्रिया है ये ये दोनों जानवर एक दूसरे के लिए रिएक्टिव है इनकी प्रतिक्रिया ऐसी है नेचुरल एनिमिटी है जैसे जैसे लॉयन में और हाथी में एक नेचुरल इम्यूनिटी है है या नहीं अब इसका कारण तो कैसे ढूंढोगे कारण इसका नहीं सर, एक नेचुरल इम्यूनिटी है एक युग्र है एक है हाँ नेचुरल इम्यूनिटी है ना इनमें लेकिन दोनों तो शांत जानवर है ना सर क्या चीज शांत शांत है पर जो है ना उग्र है लेकिन लॉयन और... में और एलिफेंट में आपस में नहीं बनती है करेक्ट जैसे वानर में और मेषा में नहीं बनती बिल्कुल नेचुरल एनिमिली है ठीक है जैसे वानर में और बकरी में नहीं बनती गोट एक नेचुरल इम्यूनिटी है जैसे नेवला और सर्प एक नेचुरल इम्यूनिटी नेच्चुर है जी 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 तो ये जो नेचुरल इम्यूनिटी के पेयर हैं ये नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये यह था हर नक्षत्र को चौदह प्रकार की योनियों में डिवाइड किया जाता है मतलब हर सताइस नक्षत्र को चौदह यूनी प्राप्त होती हैं कोई एक यूनी प्राप्त होती है हर एक को डिटेलिंग पे बात बाद में करेंगे और जन्म के समय हर एक का नक्षत्र डिसाइड हो गया अब किसी दो व्यक्ति की आप जब नक्षत्र ले रहे हो और उनकी दोनों की नक्षत्र में एक का नेवला आ गया और एक का सर्प आ गया और दोनों का विवाह कर दो ये तो आपस में ही लड़ेंगे कूदेंगे अब मैंने क्यों बोला योनी योनी रिप्रेजेंट संबंध पहले के युग में संबंध बड़े ही गोपनीय तौर पे रखे जाते थे आजकल सब ओपन फैशन है तो मां बाप ने शादी कर भी दी तो ना तो बीवी जाके बोलती थी ना पति जाके बोलता था कि ये संभ... ये समस्या आ रही है अपना समय निभा लेते बच्चे हो गए चलो भाई निकाल लो समय समा आजकल ये अलाउड नहीं है आजकल नहीं होता सो द कपल विल नॉट एग्री टू लिव विद ईच अदर एंड दे वांट सेपरेशन एंड देयर देयर स्पेस सो अगर योनी अगर सेट नहीं बैठ रही है सो देयर इज ए मोर पॉसिबिलिटी कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा जैसे रैट एंड कैट नेचुरल इम्यूनिटी है रैट एंड कैट है ना बुल एंड काओ बुल एंड काओ नेचुरल इम्यूनिटी है सर्प और अश्व ये भी नहीं सर्प और अश्व घोड़े में और सर्प में नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है मैडम बल्कि घोड़े में और सर्क में नेचुरल फ्रेंडलीनेस है एनिमिल नहीं है ओके okay. जैसे घोड़े में और बंदर में नेचुरल फ्रेंडलीनेस है घोड़ा और बंदर ओके okay. जैसे बकरी और बकरी और हाथी जैसे हाथी और भैंस जैसे गाय और गाय और बकरी कैट एंड डियर डियर एंड काउ ये सारे नेचुरल फ्रेंडली हैं सिर्फ व्याध क्या होता है व्याध ये, ये इसको क्या बोले आप व्याध नहीं नहीं कोई बोला कुछ क्या बोले व्याघ्र रहेगा सब हां हां व्याग्र टाइगर व्याघरा इज टाइगर वी वाई ए जी एच आर ए व्याग्रा इज टाइगर संस्कृत है संस्कृत है संस्कृत को इंग्लिश और हिंदी में समझना जुड़ी है जैसे अश्व इज अ संस्कृत वर्ड हॉर्स गज इज अ संस्कृत वर्ड एलिफेंट मेष इज अ संस्कृत वर्ड शिप सर्प इज संस्कृत वर्ड स्नेक स्वान इज अ संस्कृत वर्ड डॉग मजरा इज अ संस्कृत वर्ड कैट मुशक रैट व्याग्रा टाइगर महीश बफेलो नुकुल नुकुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोगोसी मौंग, कुछ बोलते हैं ना समथिंग मंगूस मंगूस, मंगूस करेक्ट वानर मंकी, कौ गो मतलब गांव को कौ ठीक तो ये संस्कृत वर्ड के इंग्लिश वर्ड हमें पता होने चाहिए देन वी कैन एबल टू रिलेटेड संस्कृत क्योंकि ज्यादातर बुक्स में और जगह पे आपको संस्कृत लिखी हुई मिलती है हिंदी में और उसके थोड़ा सा मतलब आना चाहिए तब आप रिलेट कर पाओगे बट ये नेचुरल एनिम्यूनिटी और नेचुरल फ्रेंडलीनेस आना चाहिए समझ में आना चाहिए अब कुछ एग्जाम्पल uh, के तौर पे जैसे अश्व अश्व ना फुर्ती बहुत होती है अश्व में बहुत फुर्ती होती है और अश्व की बुफैलों से नहीं बनती ठीक है तो फैलो तो मतलब महेश 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 हम लोग बिहार बोलते हैं ठीक है सर आलस्य अश में फूर्ति बहुत है और महिष में आलस्य बहुत है। आलशी, 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 आलशी है। आलसी 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 जानवर यू गॉट इट नाउ सो ये योनी कॉम्पेटेबल नहीं है मतलब एट्रीब्यूट्स देखा जा रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट देखा जा रहा है यू राइट यू गॉट इट सो एक कंसेप्ट है ये अट्टिशन है मेरी कोई भी स्टडीज के अंदर पे काम होता है रक्टाफिकेशन पे नहीं होता तुम ये मैं हमेशा एक बात बोलता हूं वी मेक कंसेप्ट पीपल वी डोंट मेक तोता पीपल नो डोंप्ट जैसे गजी हाथी हाथी क्या है लापरवाह है अति क्या है लापरवाह और सिंह क्या है पराक्रमी है सिंह है प्रा, पराक्रमी तो लापरवाही और प्राकर्मी पराक्रम यह आपस में बैठता नहीं है तो इनमें बैठी बैठ हिसाब बैठ, किताब बैठता नहीं जैसे वानर चला क्या वानर चला क्या सर, आपका वॉइस एक, एक बार मिस हो रहा है आप तो माइक्रोफोन से दूर हो नहीं मैं माइक्रोफोन से दूर नहीं हूँ मैंने हेडफोन लगाया माइक्रोफोन से दूर नहीं हूँ वानर चला क्या और मेश क्या है सीधा है बकरी है ना शिप है शिप क्या है सीधी है वो चलाकी नहीं है उसमें वाना बहुत चलाते हैं। तो मोंकी एंड शिप आर नॉट टुगेदर दे हैव अ नेचुरल एनिमिटी मोंकी एंड गोट नॉट टूगेदर दे हैव नेचुरल एनिमिटी हाथी की और गो की बनती है क्योंकि क्यों बनती है हाथी क्या लापरवाह है गौ क्या दयालु है नेचुरल मिल जा बन जाती है इनकी हॉर्स और सांप की सर्प नेचुरल फ्रेंडशिप है सो द पॉइंट ऑफ से कुल मिला के ये आता है कि हमारे को ये समझना पड़ता है कि एट्रीब्यूट्स हर व्यक्ति के गुण मिलान की बात करने सब्जेक्ट आज का लिया गुण मिलान हमने सब्जेक्ट लिया आज का मैच मेकिंग तो इसमें हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के एट्रीब्यूट इंडिविजुअल लेवल पे क्या कहते हैं रादर देन गेटिंग इन टू द्वार्स कितने इट हार्डली मैटर इट इज मोर इंपॉर्टेंट उसके कौन से एट्रीब्यूट क्या कहते हैं उसका काउंसलिंग का पॉइंट वो होगा व्यक्ति आपके पास आया मेरी इन दोनों की बनती नहीं है हम दोनों की बनती नहीं है पंडित जी कुछ कर लो ज्योतिष शास्त्री जी कुछ कर लो आप ये फाइंड आउट करोगे कि पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है खुल के तो बताएगा नहीं कि भैया क्या प्रॉब्लम है दोनों की आपस में बनती क्यों नहीं संबंध नहीं है नाउ द इट इज अ जॉब ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर इज द गैप सो उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन जी यशस्वी जी सर मेरे तीन चार क्वेश्चंस अगर मैं पूछ सकती हूँ तो बोले सर पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला मतलब ये पूछता है मुझे कि जैसे कि मेरी जो अभी बहुत कम है लाइक नाइनटीन इयर्स है तो उसमें कुछ मैटर तो नहीं करता कि मैं सीख सकती हूँ नहीं सीख सकती मुझे इंटरेस्ट है मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम एक बैच में मेरे पंद्रह साल की लड़की आई थी हाँ जी तो हार्डली मैटर्स इट इज अप टू यू और जब एक मैंने शुरू में बताया थी एक बात ये एक सौ साल पीछे जाओगे तो ज्योतिष इज ए पार्ट ऑफ कैरिकुलम टुडे ज्योतिष इज नॉट पार्ट ऑफ कैरिकुलम बिकॉज ऑफ वेरियस इवन दो व्हेन वी स्टडी उस टाइम पे गीता पार्ट ऑफ कैरिकुलम थी आज तो गीता भी नहीं है स्कूल में ठीक है तो देर इज नो इश्यूज एट ऑल

भगवान किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करता ये आप पे है कि आप कनेक्ट कैसे करते हो उसको हम बेटर समझेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर और

इज इज जस्ट इयर्स ओल्ड शी लकी कि वो इतनी जल्दी इस फील्ड में आ रही है आई एम अब फोर्टी मुझे लगता है मैं बहुत लेट आई हूँ मतलब तो ठीक है मैं पांच सात साल से पढ़ रही हूँ लेकिन ऐसे लगता तो है मतलब इसमें तो एंडलेस इट्स एन ओशन देर एंडलेस स्टडी है मतलब यू आर लकी कि आप जल्दी आ गए ये मिथ्स हैं फालतू के जो आप बोल रहे हो है ना गेट आउट ऑफ इट एंड जस्ट स्टार्ट स्टडी हाँ वो तो आई अंडरस्टैंड बट किसी ने मुझे बोला था इसलिए मैं क्लैरिफाई uh, कर रही थी कि ऐसा है या नहीं है नथिंग इज देयर ओके सर एंड थर्ड क्वेश्चन इज दैट हम इसमें बेसिकली डी वन चार्ट पे एनालाइज करना ही सीखेंगे अगर आपने D1 पकड़ लिया तो आपने बहुत कुछ पकड़ लिया अच्छा ठीक है जीवन का महत्वपूर्ण रोल D1 निभाता है D1 इट्सेल्फ जोड़ोगे तो अलग बात आएगी इसमें हाँ है। है सर। सर इस हम रेमेडीज करेंगे, मतलब हाँ, करेंगे, करेंगे।, 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 करेंगे और सर एक और बस लास्ट चीज की अभी जैसे कि आप बात कर रहे थे आप संस्कृत के वर्ड्स बोल रहे थे जो भी बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहे थे तो ऐसा मतलब कोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी में मैंने उसको इंग्लिश में बताया ना फिर

सर मेरा क्वेश्चन था कि जो मांगलिक होता है तो बहुत कोई मांगलिक आंशिक मांगलिक तो होता ही है आंशिक मांगलिक का बोला जाता है कि डिग्री थोड़ा कम है प्रभाव कम है बट किसी ने मुझे बोला था कि अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो वो कम हो जाता उतना इफेक्ट नहीं होता और कोई मुझे दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला की बृहस्पति का इफेक्ट मैंने दृष्टि पड़ेगा तो क्या हुआ मांगलिक अपना कार्य नहीं करेगा तो वॉट इज द्रूथ बिहाइंड दिस अपने क्वेश्चन बैंक को लिख के रखना ओके जब हम सब्जेक्ट कर लेंगे ना उसके उसके जो एक्सेप्शन है वो भी हम कर लेंगे जो उसमें अपवाद है वो भी हम पढ़ लेंगे ना उसके बाद ही क्लोज हो जाएंगे पहली बात दूसरी जी. बात ये कि उसके बाद भी तो क्लोज नहीं तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछ लेना दूसरी बात ये तीसरी बात ये मांगलिक आदि दुनिया मांगलिक है पांच घर ऐसे होते हैं जो मांगलिक को दर्शाते हैं आउट ऑफ ट्वेल्व तो फोर्टी परसेंट से ऊपर वर्ल्ड इज मांगलिक दैट वे तो इसके ऊपर हम ये टॉपिक है हमारी उस क्लास का इट सब्जेक्ट है मांगलिक oh, के ऊपर मांगलिक काल सब्दोष जितने दोष होते हैं जिसकी वजह से हम बेवकूफ बहुत बार बनते हैं तो oh, ये जी. पूरे सब्जेक्ट है उसमें आएंगे ये ठीक है आई थिंक मेरे ब्रॉड पॉइंट से उसमें शायद चार्ट में मैंने कवर नहीं किया होगा बट ये मांगलिक काल सब दोष इस प्रकार के जो भी दोष आपको याद है वो बता देना वो दोष कवर होंगे प्रॉपर करेंगे इनको ताकि okay, आप okay, फिर sir. ये बेवकूफ बनने वाला सिस्टम बंद हो जाए जी एनी अदर क्वेश्चन आज का टॉपिक जो सर एक लास्ट ओम प्रसाद शेर सर सर ये जैसे आपने काल सर दोष ये सारे इसे साथ में योग भी बनते है ना जी योग बताएंगे आपको जी वो योग भी भी तो वो कवर योग का सब्जेक्ट योग का अपना टॉपिक आएगा दोष का अपना टॉपिक आएगा दोनों टॉपिक आएंगे सर अभी जो आपने कोर्स का कंटेंट बताया है दिस इज इनफ टू एस्टैब्लिश एज ए पैशन फॉर फंडामेंटली यस दिस आर से these are more than basics. more than than basics, basics. so people like like me who don't know about nakshatra or something like that. तो तो I hope it is easy easy to follow things. topic रिलेटेड था, जो आम जीवन से था और उसको आम भाषा में समझाने की कोशिश की थी आज का अगर आपको टॉपिक तौर पे नक्षत्र छोड़ दो कौन सा नक्षत्र क्या कह रहा है जो मैंने टॉपिक का आपको कंटेंट बताया क्या वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी मुझे तो क्लियर हुआ है सर लेकिन बस एक ही कंसर्न था एक और क्वेश्चन यही पूछना था क्या हम लोग का ये क्लासेस सैटरडे एंड संडे को ही होगा मैंने को? शायद मंडे एंड सैटरडे बोला है मैंने मंडे एंड सैटरडे सैटरडे हाँ मंडे सैटरडे बोला ना शायद मैंने आई एम नॉट वेरी क्लियर विद या मंडे एंड सैटरडे होगा सब्जेक्ट ओके okay.

इस कोर्स का संडे संडे नहीं है नहीं नहीं सैटरडे संडे नहीं है संडे में भी क्लास लिख दिया होगा सैटरडे एंड मंडे है ठीक है ओके राइट मेरे को जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो सैटरडे एंड मंडे है राइट सो टुडे सेशन इज दिस एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टुडे सेशन मैंने दो पॉइंट्स लिए आज के सब्जेक्ट में एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मेक यू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू बैच पिकिंग क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं और क्यों हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं अगर हम ये बात समझ लें कि सामने वाले का गण क्या है ये दो पॉइंट के ऊपर बता रहा हूं बाकी बहुत पॉइंट और भी हैं कि गण क्या है क्यों नहीं वो दोनों मिल रहे हैं तो हम समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या काउंसलिंग बिकम इजी यू आर ए काउंसलर यू आर नॉट ए रेमेडी मेकर रेमेडी मेजर्स प्राइमरी थिंग इज काउंसल अंडरस्टैंडर्ड उसको बताओ कि भाई तुम्हारे में ये डिजाइन फैक्टर है कोई कमी नहीं है डिजाइन ऐसा है आपका इसके ऊपर काम करो इंटेंशनली काम करो सुधार आएगा और रेमेडी के लिए एक और रेमेडी भी साथ में पकड़ा दी डू डेट ऑल्सो इट हेल्प्स यू दिस इज वन थिंग सेकेंड थिंग जैसे योनी की बात करी आप आस बन नहीं रही मैं अभी में तो उनको बताना पड़ेगा कि आप में बहुत ज्यादा शक्ति है आपका एग्रेशन ज्यादा है सामने वाला व्यक्ति लापरवाह है या सामने वाला व्यक्ति शांत है तो उसको शांति से ट्रीट करना पड़ेगा आप ऐसा करोगे तो दोनों में बनेगी नहीं बिल्कुल भी सो कम टू ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड देन मूव ऑन ये समझाना पड़ेगा अब साथ में एक रेमेडी भी दी जाएगी कि अच्छा ये रेमेडी भी साथ में करो तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम गिव रेमेडी खाली रेमेडी से काम नहीं चलता काउंसलिंग आपने सबने देखा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो यू आर एक्चुअली डॉक्टर बट वेन यू गो टू डॉक्टर किसी व्यक्ति को शुगर की प्रॉब्लम होती है किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है किसी को और प्रॉब्लम होती है वो काउंसलिंग करता है पहले वो तो आपको बताता है भाई ये करना ये नहीं करना और ये क्यों नहीं करना इसका ये कारण है और साथ में गोली पकड़ अगर तू अपने अपने पैटर्न को सेट नहीं करेगा तो गोली काम नहीं करेगी तेरी बीपी में तो काउंसलिंग करता है वो एंड दिस इज मेजर पार्ट ऑफ द एक्सप्लोजर व्हिच इज ऑफलेट गोइंग आउट बिकॉज ऑफ कमर्शियलाइजेशन सो so, हम इसलिए कंसेप्ट पे काम करते हैं कि आप कंसेप्ट को लर्न करें अगर कंसेप्ट को पकड़ेंगे आप अच्छे काउंसलर बनेंगे नहीं तो सिर्फ पुड़िया देने वाले रेमेडी वाले हो जाओगे रेमेडी मास्टर जी जसपाल जी नमस्कार सर अवश्य मैडम बताए सर आज के सेशन में बहुत क्लैरिटी मिली कि क्या करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि कहीं तो प्रोमो में हमें ये लिखा मिला कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कहीं पे लिखा है बेसिक टू एडवांस पहला क्वेश्चन ये और सर दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी और टैरो में हूँ एंड जैसे आपने बोला काउंसलर हैं हम काउंसलिंग करते हैं बट क्या होता है सामने वाला पहले रेमेडी एक्सपेक्ट करता है एंड काउंसलिंग के बाद उनको जो भी बोला जाता है मुझे लगता है हर कोई नहीं पूरे तरीके से जाता अगेन काउंसलिंग पार्ट में थोड़ा पुश अपने को करना होता है मैं यहाँ जो कॉमन क्वेश्चंस उनके आते हैं क्या हम ये इस कोर्स में आ, हम सीख पाएंगे मेरा वो सवाल था लाइक फॉरेन जाऊंगा या जाऊंगी करके मैरिज हमारी कब होगी जॉब हमारी कब लगेगी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम हमेशा ये सुनने को मिलते हैं पहली बात आपके तीन क्वेश्चन थे तीनों का आंसर कर देता हूँ पहली बात बेसिक क्वेश्चंस के आंसर हम देंगे इसमें यस yes. शादी शादी ब्याह बच्चा जच्चा मैरिज mm. धन दौलत गाड़ी बंगला मकान हाउस ये सब चीजें पार्ट ऑफ सिस्टम बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं यस वी विल डू पहली बात दूसरी बात काउंसलिंग के लिए व्यक्ति राजी नहीं होता आई लिटिल डिस आई एम नॉट इन रियली इन लाइन विद दिस आई टेल यू वन थिंग व्यक्ति अपने बारे में समझना सबसे पहले चाहता है इट इज इंपॉर्टेंट हाउ यू स्टार्ट इट अगर आप सीधा सीधा नेगेटिव स्टार्ट करोगे कि किसी को भी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा यू हैव टू टॉक अबाउट वट इज गुड इन यू एंड देन मूव ऑन विद दी वेयर यू आर लैकिंग आउट तो स्टार्ट करेगा वो इट टेक्स लिटिल मोर टाइम एंड एफर्ट्स काउंसलिंग रेमेडी एवरीबडी इट क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाले को ये करना, मुझे करना है क्या भाई ये तो बता दो तो रेमिडियल पार्ट मैंने सब्जेक्ट के कंटेंट में क्लियर किया था रेमिडियल पार्ट हम करेंगे आपको रेमिडी भी देनी है क्योंकि आप रेमेडी नहीं दोगे तो उसमें चेंजेस भी नहीं आएंगे खाली काउंसलिंग से चेंजेस नहीं आते काउंसलिंग के साथ मेडिसिन तो चाहिए तो मेडिसिन इज योर रेमेडी ठीक है Thank वो Thank करेंगे थैंक यू सर आपका कोई डिटेल्स मिलेगा हमें कॉन्टैक्ट नंबर सर मैं एक यहां पे ना ये स्लाइड दोबारा लगा रहा हूं इफ यू कैन नोट द नंबर्स ऑन दिस स्लाइड्स वो तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एक्चुअली uh, मेरा नंबर चाहिए मेरा जी दिस इज एकेडमी नंबर माय नंबर इज हाँ ओके वेट माय व्हाट्सएप नंबर आई एम गिविंग यू इट्स नॉट अ कॉलिंग नंबर इट्स अ व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो इस पे 966

हम अगर मिस हो जाते तो रिकॉर्डिंग से कैन बी कोप अप एंड इफ यू हैव सम डाउट नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूछ सकते हैं यस यू कैन डू दैट ओके ओके सर थैंक यू पेपर आपने देखा होगा कई लोग कई लोगों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है कई लोग आपस में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं लेकिन कई कारण के वजह से जीवन में वो ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं उसमें से एक होता है बकुट विचार एक होता है बकुट विचार बकुट का एक बड़ा टॉपिक है जो कि हम कुंडली मिलान में देखते हैं बट एक मोटा माटी में बताता हूं आपको बकुट विचार में एक बकुट विचार बनता है बकुट विचार है हम जब करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर बनते हैं सात तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं और हर तरह के कॉम्बिनेशन में आंसर टोटल इसका चौदह आता है अगर किसी का बकुट कैसे निकालते हैं वो एक अलग बात है एक बात बताने की कोशिश करें कि शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी है दोनों के दोनों की योनी भी अच्छी है अब दो ही टॉपिक की है दोनों के गण भी अच्छे हैं बढ़िया चल रहा है बट ग्रो नहीं कर रहे हैं खर्चा बहुत है पैसा भी कमा रहे हैं लेकिन फिर भी खर्चा बहुत है हम परिवार चलाने की पूरी कोशिश करते हैं पर निर्धनता निर्धनता साथ ही नहीं छोड़ती पैसा कमा भी रहे हैं लेकिन इकट्ठा नहीं हो रहा तो बकुट विचार में जब हम चंद्रमा का बकुट देखते हैं चंद्रमा से देखते हैं इसमें दोनों व्यक्ति के चंद्रमा की दूरी देखी जाती है आपस में कितनी दूरी हो रही है लड़का लड़की के चंद्रमा में और ये दूरी अगर दो बारह की आ जाती है यानी कि एक एक से दूसरे चंद्रमा की दूरी दो और बारह के रूप में आती है तो ये बोलते हैं इसको निर्धनता बकुट योग और बकुट दोष इस, इस केस के अंदर व्यक्ति कितनी भी हार्ड लेबर कर लेता पैसा कमा लेता लेकिन उसका पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता जमा नहीं हो पाता जो कमाता है खर्च हो जाता बल्कि रुपए में सवा रुपया खर्च होता है में पौन रुपया नहीं होता तो यहाँ पे इंसान की लाइफ के अंदर एक समस्या पैदा होती है जनता की समय के साथ इसलिए ये बकुट बहुत जरूरी है कि दोनों आपस में पारिवारिक रूप से कैसा चला पाएंगे यही बकुट विचार के अंदर कई बार आया था छे आठ में अपवाद भी होते हैं अपवाद पे हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है अपवाद बाद में देखेंगे जिसको अपवाद कहते हैं या परिहार कहते हैं दोनों में से कुछ भी या इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं छे आठ इज एष्टक युग छठ इज ए शराष्टक योग ये इसको मृत्यु तुल्य कष्ट भी बोला जाता है मरण पद योग क्योंकि इसके अंदर जीवन को चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसमें बहुत दिक्कत होती है साथ में बच्चों की भी नुकसान होता है बच्चों का भी लॉस होता है इसमें तो षाष्टक योग अगर बनता है तो उस केस में नियम के अनुसार दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर कुंडली मैचिंग के दौरान मना कर दिया जाता है कि इस योग को मत लो इस ये योग ठीक नहीं है अगर इसके अंदर कोई अपवाद आ जाता है तो बचा लिया जाता है और अपवाद नहीं है तो मना कर दिया जाएगा जाएगा इसको तो इस प्रकार से हम इसमें ये गणना करेंगे कि ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है यही अगर तीन ग्यारह आ जाता है संटोड़ा चा, संटोड़ा सबका चौदह आता है तीन ग्यारह लाभ होता है शुभ होता है दोनों व्यक्ति जीवन में मिलजुल के धन कमाएंगे अच्छा अच्छा पैसा अर्जित कर लेंगे दोनों व्यक्ति मिलजुल के गुजर बसर अच्छी करेंगे ग्रुंड मिलान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है यह है चंद्रमा से चंद्रमा की दूरी दोनों के चार्ट में कैसे देखनी है हम बात करेंगे बाद में और चंद्रमा से चंद्रमा की दूरी यही बुकेट अगर पांच नौ आ जाता है तो ये अशुभ बुकट है इसके अंदर दोनों के जीवन को चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है स्पेशली धन के परस्पेक्टिव से मेल जुल के परस्पेक्टिव से तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है स्मूथ ट्रेलिंग नहीं है फ्लक्चुएशन बहुत होती है हाउ एवर पाँच नौ का बुकेट पे फिर भी हम शादी को रिकमेंडेशन दे देते हैं आ, वैदिक तौर पे नहीं दी जाती अगर हम ग्राम इसमें सॉफ्टवेयर बेस पे या हम कैलकुलेशन बेस पे जाएंगे तो अंक नहीं मिलते हैं शून्य अंक मिलते हैं लेकिन हम मैनुअल कैलकुलेशन पे करेंगे तो हम इसको मंजूरी दे देते हैं क्योंकि ये इतना भी बुरा नहीं है इसमें स्विंग्स आते, आते काफ़ी आते हैं जीवन में स्विंग्स आते हैं बट वो स्विंग्स को पार करने के समझना पड़ता है तो ये निकल जाता है थोटिकली इट इज कंसिडर नो सर ये फाइव और फोर uh, जो बोल रहे हैं ये ये क्या क्या डेट डेट ऑफ बर्थ वाला है क्या है ये? नहीं चंद्रमा से चंद्रमा की दूरी दोनों के oh. चार्ट में लड़का oh. लड़की के चार्ट में चंद्रमा से चंद्रमा की दूरी ओके okay. मेरा पर्पज आज की क्लास में ये सिखाना नहीं है कि चंद्रमा से चंद्रमा की दूरी कैसे निकालेंगे वो तो हम निकाल ही लेंगे या नक्षत्र को कैसे देखेंगे वो तो हम निकाल ही लेंगे मेरा पर्पज आज की टाइप में सिर्फ ये था बताना कि जब बेसिक क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसे आंसर इसको इसको कनेक्ट करना है क्या क्या इश्यूज एक गर्ण मिलान के दो तीन टॉपिक पे हमने लिए कैसे दिक्कतें आती हैं और लोगों के आम तौर पे विचार कैसे होते हैं उन्हें टैकल कैसे करना चाहिए अब अगर इसी केस में अगर आपके पास व्यक्ति आता है जिसका दो बारह का भुकुट हो और वो कहता है जी पैसे किटे नहीं हो रहे हैं तो क्या करें उसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई लिक्विडिटी को मत रख डोंट कीप लिक्विडिटी पुट इट इनटू समथिंग और पुट इन टू गोल्ड सिल्वर और लैंड और समवेयर बैंक में लिक्विडिटी को रखोगे पैसा बचेगा नहीं गायब हो जाएगा कुछ भी कर लो गायब होगा तीन ग्यारह वाला आता है उसको बोल पैसा कमा और मल्टीप्लाई कर जल्दी जल्दी तेरा पैसा बढ़ेगा और छिया वाला आता है इसको बोल दोनों के दोनों पूजा पाठ करो दोनों के दोनों एक दूसरे को समझो नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा और पांच नौ वाला आ जाता है वो तो इजी है उसके अंदर स्विंग ही आते हैं उस उसको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे जीवन में पैसा भी आ जाएगा लेकिन तुम दोनों को मिलके रहना है काम कर लोगे मिलके अगर नहीं रहोगे तो जीवन में नुकसान तुम्हारा ही होगा और नहीं तो चल जाएगा नहीं तो समझ चला लोगे लेकिन मिला के करना पड़ेगा दो हो गया तीन हो गया चार चार दस रह गया चार दस वाला सुखी जीवन की तरफ जाता है जो है ठीक है आई एम कंफर्टेबल आई एम ओके हम दोनों के बीच में जो है हम ठीक है कंफर्ट स्टेट में जीता है दोनों के बीच में इट इज गुड जनरली कौन आएगा जिसकी तकलीफें होगी वो कौन होगा दो बारह होगा या आठ होगा टू ए सम एक्सटेंड नौ पांच भी आ सकता है तो उसके आंसर्स में आप काउंसलिंग में पता होना चाहिए दो बारह वाले को तो आप बोलोगे भैया पैसा इन्वेस्ट कर ले छिया को बोलोगे तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे विचार रखो भक्ति करो नहीं तो दोनों का आपस में लड़ते रहोगे ऐसे तो जीवन नरक हो जाएगा क्योंकि छियाड़ वाला की हो गया जल्दी बैठेगा ही नहीं ये वो योग है जो कि फर्स्ट इंस्टेंस पे बोल देना चाहिए कि भैया शादी मत करो पर अगर हो चुकी है अब तो क्या करोगे तो बताना पड़ेगा समझाना पड़ेगा थ्योरिटिकली कुंडली मिलान के अंदर दो बारह को भी जीरो अंक मिलेंगे छह आठ को भी जीरो अंक मिलेंगे पांच नौ को भी जीरो अंक मिलेंगे तीनों को जीरो अंक मिले लेकिन तीनों का डिस्क्रिप्शन अलग है यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस डिस्क्रिप्शन में क्या मीनिंग डिलीवर हो रहा है और उस मीनिंग से उसको बताना पड़ेगा अंक तो जीरो तीनों में जीरो के नेगेटिव तो होंगे नहीं हियर द कंसेप्ट कम्स इन कि आपको कैसे संभालना है केस को मेरे पास एक पेयर आया वो उनके दो बारह थे लड़की भी इंटेलिजेंट थी मतलब पढ़ी लिखी महिला थी और हस्बैंड वकील थे लेकिन उसके बाद भी कहते पैसा बहुत कमाते बचता नहीं है इकट्ठा नहीं होता सिबर बताया था कि भैया महिला हो पैसे को गोल्ड में डालो अब गोल्ड कैसे लेना वो आप तो देख लो रॉक गोल्ड लेना या ज्वेलरी गोल्ड लेना वो आप देखो कैसा लेना है गोल्ड में इकट्ठा कर लो कुछ समय के बाद आए बोले कि हमारे पास काफी गोल्ड इकट्ठा हो गया सिंपल है सो so, कहने का तात्पर्य है अंक जीरो होंगे लेकिन आपको समझना यह पड़ेगा कि आपको रेमेडी क्या देनी है मेडिसिन क्या देनी है और काउंसलिंग कहते हैं पांच नाव वाला रेमेडी पांच नौ वाला रेमेडी के अंदर अगर पांच नाव का है उन दोनों को बोलो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना सीखें दो बारह में लड़ाई नहीं होगी पैसे की दिक्कत आएगी पांच नाव में स्विंग्स होंगे दोनों के विचार दोनों के साथ काम कार्य करने में स्विंग्स होंगे जबकि पांच नौ बेटर देन दो बारह दो बारह फिर भी लड़ाई नहीं होती फिर भी पैसे के ऊपर दिक्कत आती है तो उसको बोलो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना सीखो लर्न टू कॉम्प्लीमेंट इच अदर कैसे बीबी को एक गुलाब का फूल दे दिया और को एक वॉच गिफ्ट कर दिया कुछ भी समथिंग परफ्यूम दे दिया कॉम्प्लीमेंट आउट क्योंकि ये swings है। ये permanent नहीं है ये swings है नहीं स्विंग्स है कृपया करके बत्तियां खोले क्लास खत्म होने का समय आ रहा है कृपया बत्तियां खोले अपनी अपनी क्या बत्तियां क्यों नहीं खुल रही सबकी इज दिस सो बोरिंग बत्तियां नहीं खुल रही सर परमिशन हो तो मैं लीव करता हूँ सर मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ बस सर हम पांच मिनट में बंदी कर रहे हैं सो एनी क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑफ यू यू हैव इफ एनी कैन आस्क दीपिका जी गुड टू सी यू चलो बत्ती खुली आपकी क्लास कभी बोरिंग नहीं हो सकती सर थैंक यू सैमसंग जी गुड टू नो अलॉट ऑफ थिंग्स चलो हमें भी अच्छा लगा

एंड ऐसे सीखें कि आपके अंदर उतर जाए चीजें आप बेसिक लाइफ से कनेक्ट करें आप जीवन से कनेक्ट करें तो आप रेमेडी भी करेंगे तो आप प्रिडिक्शन भी करेंगे तो आप बात भी करेंगे और मैंने सिर्फ डिलीवर कर दिया और आप बात ही नहीं कर पा रहे सामने वाले से समझी बात करने में आपको संकोच हो रहा है तो कुछ मजा नहीं आएगा तो पैशन काम नहीं आएगा सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गेट इन टच विद एकेडमी सून से पूछ सकते हैं जी। Thank you. से और भी डाउट तो आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट करेंगे जी थैंक यूक यू सो तब तक, तक के लिए नमस्कार धन्यवाद आप सबका किसी को कोई विचार प्रकट करने तो कर सकता है यस yes, बोलो दीपिका जी नहीं सर हम थैंक यू बोल दीजिए थैंक यू प्रीति जी कुछ कह रही थी नहीं रविंद्र जी गुड टू सी यू ग्रेट जी जी क्लास थैंक यू सो मच और uh, मतलब ये चीजें मैंने वैदिक पढ़ा है पहले लेकिन ये चीजें आज पहली बार पता लगी है ये बारी किया दैट्स ग्रेट थैंक यू सो मच सर थैंक यू प्रीति जी जी रविंद्र जी सर ये दो बारह में जो आपने बताया ना जी इसकी एक रेमेडी किसी ने बताई थी कि जब दो बच्चे हो जाते हैं तो ये दोष खत्म होता है दो बारह में जब दो बच्चे हो जाते हैं मैं है, बारह बच्चे क्यों नहीं <laughs> नहीं आ? ये यो। भाई ऐसा तो दो था, दो था ना सुनो 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 एक नाट दो बारह का मतलब ये है चंद्रमा से दूरी दोनों चार्ट के अंदर एक की दो है और दूसरे की बारह है।, तो है तो दो बारह का योग बनता है तो चौदह टोटल आता है ये तो मान लो लड़के की लड़के से लड़की की दूरी दो बार दो की है लड़की से लड़के की दूरी तो बारह की है तो बारह बच्चे क्यों नहीं नहीं उसको लड़की से लड़के की नहीं देख, देखते वो योग उसमें रेमेडी में है, वो कहते है कि लड़के से लड़की का ही देखना रहे ठीक है सर ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है देर इज नो कंसेप्ट लाइक दिस राइट तो जिसके बच्चों को योग नहीं हो, तो दो बच्चे कहां से करेगा पड़ोसी से <laughs> नहीं वो तो खैर नहीं हो सकता फिर, तो दो बारह में दिक्कत क्या है दिक्कत तो पैसे की है तो लेट्स ये मैंने उनके एक वीडियो में देखा था जो <laughs> शिवाय एस्ट्रोलॉजर सर इससे कोई बात नहीं तर... सर वी आर सर इट्स ओके मतलब आपने किसी के में देखा वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस समबडी वट एवर दे डिलीवर जो उनसे जो अच्छा डिलीवर किया अच्छा डिलीवर किया वी रिस्पेक्ट ऑल बट मेरे हिसाब से आसान काम यह है कि आप इन्वेस्टमेंट करें बजाय कैश को लिक्विडिटी के फॉर्मेट पर रखने के अच्छा इट विल हेल्प यू टू सिक्योर मनी हम इसके अपवाद भी पढ़ेंगे इसके इसका परिहार भी पढ़ेंगे बट वो जो परिहार और अपवाद पढ़ेंगे तो उससे और क्लैरिटी आएगी और रेमेडी भी आ जाएंगे राइट सो अभी के लिए हम यहाँ पे क्लास रोकते हैं आज एंड आई होप यू यू लाइक दिस कंसेप्ट ऑफ टुडे एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सैटरडे क्लास और जो लोगों ने पहले किया थे और ऑल वेलकम एज ए रिपीट वो तो तक लिए थैंक यू नमस्कार धन्यवाद गुड नाइट थैंक यू नमस्कार थैंक यू गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ रात्रि थैंक यू